हाथ जोड़ रही हूँ आपकी, मेरी लड़की को रख लो प्लीज। मुझे क्या पता है, दो मिनट बताइए, पूछ लो ये प्रॉपर्टी लेस मार कर। रोने से क्या होगा बताइए, आपको यकीन नहीं मानोगे, एक माँ के दिल से पूछो क्या होगा मेरे साथ, क्या मेरी बेटी पेट से है, सारे दहेज में सामान लगा दी, सब कुछ था जो भी है वो भी दे दिया मैंने उसे, अब कुछ भी नहीं रहा, बस एक मकान का रह गया प्रॉपर्टी, अब वो भी मैं देना चाह रही हूँ कि मेरे बच्चे को छोड़े ना, तलाक ना दे, अब वो तलाक देने पर तैयार है, बताइए मैं क्या करूँ, एक माँ के दिल से पूछो मैं अपने बच्चे को क्या करूँ, मेरे बच्चे से कोई शादी भी नहीं करेगा, पेट से है वो, और इस हालत में आके वो छोड़ रहे, बताओ ये कोई अच्छी बात है, मैं आपके पास बहुत उम्मीद से आई हूँ, मेरी हेल्प कीजिए, मैं कर रहा हूँ, मेरी जिंदगी का सवाल है, मेरी जिंदगी क्या है कुछ भी नहीं है, मेरे बच्चों की जिंदगी है बस, उसके लिए मैं जीवन पूरा लगा दिया उसके दहेज में, हर चीज़ जो मांगा उन्होंने वो दिया मैंने, अब लास्ट में ये मकान था एक बचा हुआ, एक गरीब औरत बताओ क्या करेगी, न किसी का सहारा है सर पे, कोई नहीं स्टार्ट करो उसमें। देश खान दोस्तों, आज मेरे साथ ये जो बैठी हुई आंटी, मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूँ दोस्तों, मतलब मैं पार्क में ही था, वीडियो से रिलेटेड मैं, ये आंटी अचानक घूमते हुए पार्क में आई और बोले कि हाथ जोड़ती हूँ, मेरा वीडियोस बना लीजिए, मेरा वीडियोस बना लीजिए, और जिनको आप बुल आ रहे हैं ना वो लोग भी, कौन 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 है, इनके सास है, उसका हस्बैंड है, मतलब दोस्तों, मतलब मैं अगर क्लियर शब्दों में अगर ऐसे बात करूँ तो इनकी एक बेटी है जिसकी शादी का लगभग एक डेढ़ साल हुआ है ना, और दहेज के लिए सास और हस्बैंड मतलब इतना टॉर्चर किए भाई लड़की को कि लड़की परेशान होके मायके आ गई, जब मायके आई घर में तो मतलब पता चला कि वो पेट से है ना, हाँ उसका जांच करवाया था जब उसे पेट से थी वो। क्या बात है, क्या किस तरीके से सारा चीज़ को एक बार एक्सप्लेन कीजिए, आप क्या चाहती हो ये चीज़ भी एक बार बताइए। मैं तो यही चाहती हूँ मेरी बच्ची को खुश रखे, वो रख ले अपने पास, अब वो ऐसे राह पे छोड़ दिया कि ना वो इधर की रही ना उधर की रही, ये बताइए किसी की भी बेटी पेट से हो मैं कहाँ उसे दिखाऊँगी, मुँह दिखाने लायक भी नहीं, क्यों कह देंगे सब लड़की पर ये अक्सर उठाते हैं कि लड़की में कोई कमी होगी, ये नहीं देखेंगे ससुराल वाले परेशान कर रहे हैं जो क्या है, अब वो ना एक छोटा सा नन्नी सी जान जो पल रही है वो किसके सहारे जिएगा, मैं आपसे बहुत उम्मीद के साथ आई हूँ, मेरी हेल्प कीजिए बस। कोई नहीं बात करते हैं, परेशान मत होइए, मैं मेरा कोई सहारा नहीं है, सिर्फ मेरी बच्ची है, उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, मैं एक मकान था मेरा वो भी देने के लिए तैयार हूँ, अब बता इससे ज़्यादा क्या करेगी एक माँ। उनको पता है कि आपकी जो बेटी है, हाँ मैंने फोन करके कहा था उसे, उनका क्या कहना है, क्या वो कह रहा है हमें कुछ नहीं पता, हम तो छोड़ेंगे तलाक देंगे, मैं गलती भी नहीं हूँ कुछ भी, फिर भी ये बताओ ये ऐसा काम कर रहे, बस सिर्फ एक दहेज इतना दहेज दे दिया, सब कुछ बेच दिया मैंने, गाड़ी मोटरसाइकिल सब कुछ दिया था, फिर भी कहते हैं ना लालच का कुआं कभी नहीं भरता, वो आज यहाँ तक ले आया मेरे बच्चे को छोड़ने तक को ले आया। रोइए मत आंटी, ठीक है दोस्तों, शाम होने वाली है और हम लोग जब तक इंतजार कर लेते हैं, अगर रात होगा तो भी मैं ये रात में वीडियो दिखाऊंगा, जिस भी तरीके से भी हो उस तरीके से भी मैं बना के ये वीडियो दिखाऊंगा, आने दीजिए आंटी, ठीक है, और आपके पास मैं उम्मीद, कोई नहीं आने दीजिए, आने दीजिए, सुनिए मैं बता रहा हूँ, आने दीजिए उन लोगों को, जो भी होगा जिस तरीके से भी होगा मैं रिकॉर्ड करूँगा, अपने वे में मैं समझाने की कोशिश करूँगा, जो भी चीज़ होगा मेरे से पॉसिबल मैं हर वो कोशिश करूँगा ताकि इनकी बेटी का जो घर है वो बस जाए। भाई कोई माँ क्या चाहती, भाई ठीक है अगर वो इंसान छोड़ रहा है तो भाई अब सच बात है यार, उस लड़की से कौन शादी करेगा, आज के दिन में ऐसा नौबत आ चुका है कि भाई कोई नहीं, मैं एक बार जिस भी तरीके से वो तन मन धन हर वो तरीका अपनाऊंगा और उन्हें मनाने की मैं कोशिश करता हूँ। कैसा हो रही है यहाँ पे बैठ के, लेके आए कुछ, क्या सब कुछ तो दे दिया, बताओ सब कुछ जितना था मैंने सब दे दिया आपके पास है, सारा दहेज दे दिया, सारे दहेज में सब कुछ सामान दे दिया, मेरे पास कुछ नहीं रह गया। तेरी लड़की कितनी बदतमीज है ये पता तेरे को,
नहीं लड़की बैठे ना कोई काम करे ना कोई मतलब नहीं कोई सास रोल नहीं उसके सामने। अब उसका हाल भी तो देखो वो आपके घर की बहू है फिर पेट से भी आपकी कई बारिश है उसे सिखाया क्या संस्कार आपके ही घर का बारिश है उसके पेट में है ये बताओ पहले दो महीने ब्याह के साथ ऐसा मत कहो फिर किसी की लड़की के साथ क्यों है आप तो शादी के लिए इतना अच्छा थे आपने ही मांगा था लड़की मेरी अब मैंने सब कुछ दिया आपको दहेज में सब दिया मैंने दो महीने की उम्र देख ले क्या कह रहा बेटा अब मेरी लड़की क्यों परेशान कर रही मेरी लड़की है शर्म नहीं आती तुझे कैसी बेटी है वो कभी मुझे सास समझ मैंने सब कुछ तो दे दिया देखो दहेज में सारा सामान दे दिया मेरे पास और कुछ नहीं है बस एक ही प्रॉपर्टी है मैं बस ये लेके आ गई मैं अब ये जो मांगा वो भी ले आई हूँ मैंने क्या लेके आई है ये मकान की पहले मेरी लड़की को वो करो अब ना होगी जब तो अरे हाँ, हाँ, क्या है? चल। नहीं मेरी लड़की को पहले अब ना मेरे पास बस एक ही चीज है दो महीने के बाद वो ऐसी आपकी बीवी है जब भी नहीं पता आपको किसके साथ है किसके साथ नहीं है आपके साथ है ना अब फिर आज इतना बड़ा छल लगा रहे हो पहले बताइए मैं लड़की को अपनाऊंगी नहीं दिखा क्या है नहीं मेरे पास सिर्फ यही बचा हुआ ही है यही बचा हुआ है मैं ऐसे नहीं दूंगी जब तक मेरी लड़की नहीं करोगे नहीं अरे हां हां रख लेने तेरी लड़की को मैं लड़की को लिख लड़की से पूछा है हाँ मेरी लड़की बताओ जिंदगी बर्बाद हो जाएगी उसकी मानी है बच्ची चक्कर में दिखा ये कागज कैसे है दिखा दूंगी मैं आप मैं आपको दिखा दूंगी अभी मेरे पास यही है बस चल सब कुछ लिया तुमने मेरे पास सिर्फ यही यही ले लिया मैंने क्या मेरी बच्ची है क्या है बेटी तेरी वो मेरी बच्ची कितनी अच्छी है मैंने पाला पेट में रखा मैंने कितना वो है जब से तो बहुत अच्छी थी मेरी लड़की हाँ, बड़ी अच्छी थी वो तेरी लड़की ये शिक्षा दी थी उस लड़की को आंटी थी वो धक्के खाती था और उसका तो देखो नन्नी से जान पल ली है बताओ किसके सहारे छोड़ूंगी मैं किसके सहारे करेंगी कहाँ से आई थी वो क्या करके आई थी तू साथ रहती थी उसके सारा दिन घर में लड़की पे मत करो मेरी लड़की पे मेरी लड़की बहुत सही है मेरी लड़की के लिए वो करो मेरी लड़की को अपना लो बस मेरे पास यही था ये मैंने आपको दे दिया बताओ मेरे पास और कुछ भी नहीं बचा मेरी बच्ची के सारे पैसे भी तो बोल लेते उसको कितने बोल लेते मैंने सब कुछ तो आपको दे दिया अब क्या देऊं बताओ सारे दे दिए मैंने पैसे भी जब से मैंने लड़की दिया तो मैं जब से मैं देती आई हूं तो जब से लड़की की शादी करी है मैंने ना जब से आपको देती आई हूँ मैं बोला था अगर अपनी लड़की रखनी है ना मेरे पास तो मेरे को कैश आप ऐसे क्यों कर रहे हो मेरे साथ ये बताओ ऐसे ही करूंगा जब तुम लोगों ने मेरी लड़की को अभी क्या कहीं का नहीं छोड़ा है मैंने कहीं का नहीं छोड़ा उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा मेरी लड़की बताओ कहाँ जाएगी वो कौन करेगा उस लड़की का कौन करेगा शादी उससे कहीं से किसी से भी करवा दे शादी ये क्या लेके आई है ये प्रॉपर्टी है मैंने सब कुछ दे दिया मैंने तो प्लीज मेरी बच्ची को कबूल कर दो क्या है बोल दिया तेरी लड़की क्या क्या खिलाती थी पहले पीछे से आप कुछ भी नहीं मेरी लड़की बहुत सही है तेरी लड़की कर रही है मुंह काला कर दिया ये बेटा है दो महीने से तू मैंने सारा कुछ दे दिया ये प्रॉपर्टी भी दे दी मैंने तुम्हें अब मेरे पास कुछ भी नहीं है प्लीज मेरी बच्ची को रख लो बस मैं उसे छोड़ो मैंने दे तो दिया इतने सारे पैसे काला करके आई है पैसे तो उसके दोगे ना आपके बच्चा है आपका है फिर भी यही है आप ऐसी बातें कर रहे हो नहीं फड़बड़ा रही है मेरी बच्ची को अपना लो बस रख लो ले जाओ तेरे को बोला था पैसे बोला था कहाँ है दिखा मैंने सब पैसे दे दिया मेरे पास कुछ नहीं है बस ये कुछ भी नहीं है इसमें बोला था मैंने लाने के लिए दे कार्ड के दे दिया मैंने आपको सारे पैसे दे दिया मैंने सब अपने रखूंगी तो मैं ना मैंने अपने घर के सामान तक बेच दिया मैंने जब भी दे दिया मैंने सारे पैसे अब कुछ भी नहीं है मेरे पास ये बता मेरे पास हमारे को तो पैसे करोड़ों की प्रॉपर्टी है बता थोड़ी मांग रहे हैं पाँच नहीं हो पा रहे तीन कर दे
कहाँ से दे दूँ, इतने सालों से जब से शादी हुई जब से तो देती आई हूँ मैं, बता अब क्या छोड़ा है। क्या दिया है? एक मकान था वो भी ले लिया तुमने, वो भी ले लिया प्रॉपर्टी। ये तो बता है, एक प्रॉपर्टी तो दे दी मैंने सारे, मेरी बच्ची को ले लो बस, मेरी माननी है, मेरे बच्चे को रख लो। मैं तेरे तो पैसे कैसे मिला के दिए, ले जा ऐसा मत करो मेरे बच्चे। मैं रहने दूंगी, मेरे बेटे आज तलाक कर दिया। अरे कुछ नहीं भाई, हमारा आपस में तो घर पे जाकर बोलता हूं ना, मेरे बच्चे को रख लो प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ रही हूं, ये मेरे बेटे का तो पत्नी है, ये तो सांस क्या बेटा रे, सारा मैंने दे दिया सब कुछ, अब फिर मांग रहे। 2 महीने लड़की को प्रेग्नेंट है, 2 महीने शादी के हुए भी नहीं, 2 महीने से वो प्रेग्नेंट है। बताइयो काम मारती आंटी होगी वो, ये पता मेरे बच्चे जब पेट से हो गया, जब शर्म नहीं आ रहा इनके पास, लड़की को शर्म आई, वो घर में टिकती नहीं कभी, 24 घंटे बाहर घूमती है, अपना कब से वहाँ पे खड़ा होकर देख रहा था, क्या बात कर रहा था, यहाँ पे खड़े हो जहेज के लिए तुम लोग, जहेज का केस डाले तुम लोगों पे, हमारे क्या नहीं पता है, क्या नहीं पता है दादी, मैंने करी इसकी लड़की, डाले दहेज का केस तुम लोगों पे, दहेज मांगते हुए शर्म नहीं आ रही लोगों को, लड़की को दाब दाब करने के लिए दे रही है। अच्छा अच्छा, सब कुछ दे दिया मैंने, सब कुछ मांग रहे, प्रॉपर्टी दे दिया, सारा दहेज ले लिया मैंने, 1 लाख रुपए तो दे दिया, अब फिर मांग रहे 1 लाख रुपए, अब मैं कहाँ से लाके दूँ, यही है माइक है, वहाँ देख कैमरा लगा हुआ है, सारा चीज रिकॉर्ड किए हैं, तुम लोग जो दहेज मांग रहे थे ना वो दहेज सारा चीज रिकॉर्ड किया है। इसको बंद करें यार, पहले बंद करें, हम पेपर लाओ, पेपर लाओ, पहले बंद करो, चलो ठीक है ना, एक फुटी कौड़ी नहीं मिलेगा तुम साले बिग पंगे को, समझे ना भाई, शर्म आनी चाहिए, बेटी है तुम्हारे घर में, अरे वो अपनी लड़की, क्या अपना लड़के की वो उसमें कोई कमी होगी तभी तो मांग रहा हूं, तुम लोग मांग रहा हूं, तुम लोग शादी कर दो, क्या बंद कर दूं, दहेज मांगने चले हो तो ये इसने करवाया, हाँ इसने कराया ये, हाँ इसने कराया, कैमरा लगवाया, ये ऐसे ऐसे काम करो, हेलो हेलो, जब तू कैमरे वालों को लेके आओगी तो मैं भी आऊंगी, जब शादी करके ले गई थी जब नहीं थी मेरी, जब लेके चला ने क्या खाली पैर पकड़ती थी, जब मेरे बेटे के सारे देर, जब तू पैर पकड़ती थी मेरे बेटे के, अब मेरी लड़की पे मैं, जब तू मेरे बेटे के पैर पकड़ती थी कि मेरी लड़की पता नहीं क्या हो गई, मां है इसलिए पकड़ती है, हां समझे ना, तो मैं मां नहीं हूं किसी की, नहीं हो तुम्हारी बेटी, कोई नहीं है, नहीं है तुम्हारी बेटी, मैं तो अपने बेटे को ऐसी शिक्षा नहीं दी, क्या शिक्षा नहीं दी, मेरे तो बेटा इज्जत से रख रहा था उसको, ये खुद ही अपने आप इतनी बातें बना रही थी, उतना बात ना समझ में नहीं आ रहा मेरे को, उतना बात समझ में नहीं आ रहा, ये जो वीडियो है ना समझे ना, ओ हीरो ये वीडियो ना, ये भाई डालते हैं इस वीडियो के बुनियाद पे तुम लोगों पे ना दहेज का केस डालते हैं, ऐसे समझ में नहीं आ रहा, क्या रखने के लिए तैयार हो, मेरे बेटा सुन लो मेरी बात, हां क्या मेरे बेटी को कोई ऐसी जरूरत नहीं है, तुम बंद करो, सब जरूरत है, कुछ बंद नहीं होगा, दहेज का केस डलेगा इन लोगों पे, दोस्तों देख लो ये क्या, हाँ क्या समझाओ, क्या देख लो ये भिख मांगे लोगों को दहेज लेने में शर्म नहीं आ रही है, दहेज ले लेके क्या क्या समझाना चाहती है, लड़की गलत चल रही थी, इसने हाथ जोड़ अच्छा। के मेरे बेटे से शादी करवाई, अच्छा जबरदस्ती शादी करवाई, अच्छा हम नहीं कर रहे थे, अच्छा रिश्ता नहीं ले रहे थे, हाँ जी गलत थी अपनी बेटी, लड़की से 2 महीने भी नहीं हुए उस लड़की को, शादी हुए भी 2 महीने भी नहीं हुए, 2 महीने ये पूछ लो, ये प्रॉपर्टी ये इसकी माँ बैठी है, ये देखिए सारा चीज रिकॉर्ड, सुनो कुछ नहीं कुछ नहीं, ये जो वीडियो है ना मेरे पास, अपनाते हो या नहीं अपनाते हो, हाँ हेलो आपको पहले मांग के अपनाओगे या नहीं, बुढ़िया बुढ़िया जो बोल रहे थे ना, बैठो बैठो एक मिनट बैठो, कैमरा बंद नहीं होगा, बैठो अपना लो ठीक है ना, दहेज से मतलब लगा दिए क्या, अपना ना उसे रखना है घर में, क्या बोल रहा था, कैमरा बंद करवाया, कैमरा के साथ रंग उड़ गया भाई, देखो दोस्तों कैमरा के साथ रंग उड़ गया इसका, कैमरा बंद करवाया, हाँ हाँ लेके आएगी नहीं, तुम लोग इसके साथ जाती करो, हम कैमरा भी नहीं लगाए, इसके साथ जाती करो, तुम लोग कैमरा भी नहीं लगा, बंद कर दो, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँ, क्या आगे से नहीं करोगे, आगे से कभी हम लोग नहीं करेंगे, दहेज नहीं लेना है, बेटी को रखना है,
और क्या बोले थे, कहीं और जाके मुंह काला की है इसकी बेटी? किसका किसकी बेटी है वो? किसकी बेटी जो उसका उसके पेट बच्चा? किसका बच्चा है? किसका बच्चा है? अरे बोल ना, मेरा ही है। मुंह खुला इसका, मुंह खुला इसका। चल बेटा तू क्या, चल बेटा बैठ बैठ, चल चम। क्या करना है, रखना है? हाँ भाई रखना है, रेडी हूँ मैं, रखना है। डालू मैं वीडियो? ये वीडियो मत डालो प्लीज भाई। सुनो, वीडियो तो डलेगा, कल आ जाएगा मेरा बेटा, नहीं लेगा वीडियो तो डलेगा, पहली बात आ रहा हूँ। नामी हो जाएगी हमारी, मैं चेहरा ब्लर करके डालूंगा, वीडियो डलेगा। और जिस दिन दोस्तों, जिस दिन ये लोग अगर कुछ भी आपके साथ किया, सुनो ये कह रहे मुंह काला करी, आज अपनी आ गई तो अपनी भी आई तो सब हो गया ना सब। जिस दिन आप लोग इसकी बेटी के साथ कुछ गलत करने की कोशिश भी किए, सुनो कैमरे के सामने सुनो, जिस दिन आप लोग इसकी बेटी के साथ गलत करोगे उस दिन ये वीडियो डलेगा और फेस के साथ डलेगा आप लोगों का, ठीक नहीं है। और दोस्तों इस वीडियो को जितना हो सके उतना फैलाओ, उतना शेयर करो, ताकि इस जैसे भिक मंगे दहेज के ना भाई समाज में पैदा ना हो। जहाँ जाएंगे थू थू दुनिया समाज थू थू करे लोगों के चेहरा पे। कोई नहीं, मैं नहीं मना, मैं मना कर रही हूं, बेटे को अपनाओगे इसकी बेटी को? कोई नहीं, अगर नहीं अपनाते है ना, अगर कुछ भी मारपीट करता है हरकत तो मेरे को बताइएगा, ये मैं वीडियो डालूंगा और दहेज का केस डालिए लोगों पे। मैं अपना रही हूँ ना, मेरी बेटी है, अपना लोगे? हाँ, आ गया रंग खुल गया भाई, दो मिनट का भाई, दो मिनट कैमरा यहाँ पे, आप लोगों का पावर है। कोई बात नहीं बेटा, मैं अपना रही हूँ, मेरा बेटा जाएगा तो बंद करो। अगर सुनो, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो ये वीडियो देख लो और लोग देख लो भाई, आपके सामने ये जनता के सामने 10-20 लाख जनता के सामने ये आप लोग वादा कर रहे हो, इसकी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं होएगा, मैं गारंटी देती हूं। जो भी चीज है सारा चीज यहाँ पे देख लो भाई, क्या है क्या नहीं है, लो कार्ड। और मेरी भी बेटी है, मैं ले जाना चाहती हूँ इसी। हाँ ले जाना चाहती हूँ, नहीं ले जाओगी, और आपको पैर पड़ने की जरूरत नहीं है। जो भी कहेंगे वो करने, कोई नहीं, जाओ आप घर पे, कोई नहीं, जाओ घर पे, गले लगो, समधी हो ना तुम लोग, समधन हो ना, गले लगो, ऐसा ही मिल मिलाप से रहो तुम लोग, ठीक है? बंद करो कैमरा।